बेटा के मार दिला। मार दिया? सरोज राय। ऑनलाइन हुआ था, 4 महीना हो गया, नंबर नहीं मिला था, इसलिए लोग नहीं जाने दिए। यहाँ से वहाँ कह रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ, नहीं जाने दे। छोटा बच्चा है, मेरे 3 बेटी है, 2 बेटा है, मेरे 5 बच्चे हैं। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। आज सोमवार है, यानी कि सोमवार को नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। फरियाद भी बहुत आस लेकर आते हैं कि नीतीश कुमार उनकी फरियाद सुनेंगे। आज सोमवार के दिन एक महिला जनता दरबार पहुंची नीतीश कुमार के पास फरियाद लेकर, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी एक नहीं सुनी। जब वो महिला रोने लगी बहुत ज्यादा, उसके बाद भी नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रेंगा। नीतीश कुमार ने उनकी नहीं सुनी, उन्हें अंदर नहीं बुलाया गया। इसके बाद की कहानी आप खुद इस वीडियो में देखिए। यहाँ पे क्यों आई हैं? जो मुख्यमंत्री पर आशा लाया के अली है। किस लिए? किस लिए? बेटा के मार दिला। कौन मार दिया? सरोज राय, मेही लाल राय। कितने साल का आपका बेटा था? 4 साल। चार गोरा मार दिला, 4 गोरा के नाम बाहू में। कितने साल का बेटा था? 30 साल का उम्र। पत्नी है, आपका बच्चा है, आप देख सकते हैं। तो मतलब आपको न्याय नहीं मिला, कब हुआ ये? अच्छा, 3/10/2020 की ये घटना है। जी। आपके पति को मार दिया जी। अभी तक न्याय जो है वो नहीं मिला है, उसी के आस में आप लोग मुख्यमंत्री भटक रहे हैं। यहाँ कहीं जाते हैं तो नहीं, नहीं ऑनलाइन हुआ था, 4 महीना हो गया, नंबर नहीं मिला था, इसलिए लोग नहीं जाने दिए। यहाँ से वहाँ कह रहे हैं, वहाँ से वहाँ जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ, नहीं जाने देने। तो वहाँ गए हैं, वो टर्न पर तक बोला है कि वहाँ जाओ, यहाँ से बोला है कि वहाँ जाओ। अच्छा, तो आप जनता दरबार में पहली बार आ जाए हैं? इससे पहले एक बार और आए थे। अच्छा, कितना दिन पहले? 7 महीना पहले। 7 महीना पहले आप लोग जी आ चुके हैं? जी। कोई जो सुनने वाला कोई नहीं है? जी नहीं। छोटा बच्चा है, मेरे 3 बेटी है, 2 बेटा है, मेरे 5 बच्चे हैं। तो मतलब कि पुलिस के पास गए, कुछ FIR दर्ज किया? हाँ किए, मगर फोर्जी कर दिए लोग। क्या कर दिए? फोर्जी कर दिए, फार उड़ के फेंक दिए। नहीं, फार के फेंक दिए जी, वही थाने वाले लोग। थाने वाला फार के फेंक दिया? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पति का जो मौत आपने बताया, उनका हत्या कर दिया गया, किस तरीके से हुआ था ये पता है आपको? हाँ, गला में चैन दाब दिया था, अब तो हाथ में निशान था। आप एकदम श्योर है? मतलब आपको पता है किसने किया है? सरोज राय है, मेघी लाल राय। कौन है जी? यार दो लोग हैं, दो दबंग लोग हैं। लोग आप देख सकते हैं कि ये माँ हैं जो इंसाफ के लिए हैं, ये इनकी पत्नी हैं जिनके बारे इन्होंने कहा कि उनका मौत हो गया, उनको मार दिया गया। इनकी पत्नी है, इनकी माँ है, इनके पिताजी हैं, इनका छोटा सा बच्चा भी है, जो कि पिछले कई महीनों से प्रयास में है लगातार कि इन्हें इंसाफ मिले, इन्हें न्याय मिले। लेकिन इनका कहना यही है कि इन्हें दर दर की ठोकर खाने मिल रही है। जनता दरबार नीतीश कुमार लगाते हैं यहाँ, उससे पहले भी ये लोग 7 महीना पहले भी आ चुके हैं जनता दरबार, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई और आज फिर आए हैं, और इन्हें आज फिर आने के बाद अंदर जाने नहीं दिया गया है। दर दर की ठोकरें इन्हें खाने को मिल रही है। इनका कहना है कि FIR जो किया गया उसका कॉपी भी फाड़ दिया गया है, FIR कॉपी भी, जो FIR उन्होंने दर्ज किया था उसे भी फाड़ दिया गया है। अब नीतीश जी आप ही बताइए, एक तो आप जनता दरबार लगाते हैं लोगों की फरियाद सुनने के लिए, फरियादी आते हैं आपसे फरियाद करने, और आप लोगों की बात भी नहीं सुनेंगे तो ऐसे में कैसे चलेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं IVTV, सहयोगी राकेश रोशन के साथ श्रद्धा, IVTV पटना। तंत्र मंत्र यंत्र की सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया।
आज हमारी कंपनी भारत की नंबर वन एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशा जी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकर्णी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशा जी बंगाली। बाबा पाशा जी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं, बाबा पाशा जी बंगाली।